दोस्तों आपका आंसर क्या होगा जब मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी किस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की वजह से, या यूं कहे तो किस खिलाड़ी की वजह से अपने नाम करने में कामयाब रही? तो शायद आपका आंसर होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर हार्दिक पांड्या। और यह सिर्फ आपका आंसर नहीं होगा बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के 80-90% फैंस का भी यही मानना है कि इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी को अपने घर ला पाई है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल मुकाबले को हम ना तो विराट कोहली की वजह से जीते हैं, ना ही रोहित शर्मा की वजह से, ना ही हार्दिक पांड्या की वजह से, और ना ही जसप्रीत बुमराह की वजह से हमने उस मैच को जीता है, बल्कि उस मैच को हमने जीता है ऋषभ पंत की वजह से। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब ऋषभ पंत की उस मैच में क्या भूमिका थी, मतलब उस मैच में ऋषभ पंत के बल्ले से ना तो ज्यादा रन देखने को मिले थे, ना ही उस तरह का उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था उस मैच में कि हम यह कह दें कि भाई साहब ऋषभ पंत की फील्डिंग की वजह से हम उस मैच को जीते हैं। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि उस मैच को हमने ऋषभ पंत की वजह से जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि यह कहना मेरा नहीं है, बल्कि यह कहना है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का। और उनका मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मुकाबला हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, वो मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हार गई थी, और उस मुकाबले को जीतने के बारे में भारतीय क्रिकेट टीम ने सोचना भी बंद कर दिया था। बट उस समय पर ऋषभ पंत की एक चालाकी ने, या यूं कहें तो उनकी एक एक्टिविटी ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी दिला दी। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब ऋषभ पंत ने ऐसा उस मैच में क्या कर दिया था कि भारतीय क्रिकेट टीम ऋषभ पंत की वजह से ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने कपिल शर्मा शो में एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया है, और उन्होंने कहा कि उस मैच में ऋषभ पंत की एक एक्टिविटी, या यूं कहे तो उनकी चालाकी की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम उस मैच में वापसी कर पाई, और उस मैच को भारतीय क्रिकेट टीम अपने नाम करके इस ट्रॉफी को अपने घर ला पाई है। यानी कि अगर क्रेडिट देना है तो आप ऋषभ पंत को विराट कोहली से ज्यादा क्रेडिट, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा क्रेडिट, हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा क्रेडिट, और यहां तक कि सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा क्रेडिट आपको देना होगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि ऋषभ पंत ने उस क्रूशियल मोमेंट में एक एक्टिविटी करा था, शायद आपको याद होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो जब भारतीय क्रिकेट टीम को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, तब ऋषभ पंत ने वहां पे गेम को काफी स्लो कर दिया था इंजरी का बहाना बना के। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब इंजरी का बहाना उन्होंने कब बनाया, तो मैं आपको बता दूं कि जब 30 गेंदें बाकी थी उस मैच में, तब ऋषभ पंत अपने नी की इंजरी को लेकर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, और उस दौरान गेम को पूरी तरीके से स्लो डाउन कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत को वो आइडिया किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा ने दिया था। और रोहित शर्मा ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को यह कहा था कि आपको चाहे जो भी करना हो आप करो, फाइन की चिंता मत करो, बैन की चिंता मत करो, हम अंपायर से समझ लेंगे, हम BCCI से भी समझ लेंगे, लेकिन आपको कुछ भी करके इस मैच को जीतना है। और उस समय पर ऋषभ पंत ने एक चालाकी करी और गेम को, आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान ने भी इस तरह की एक्टिविटी एक बार पहले कर चुके हैं, और उसके साथ ही आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के भी एक खिलाड़ी ने गेम को स्लो डाउन करने के लिए एक इंजरी का नाटक किया था, और ठीक उसी नाटक को इस बार ऋषभ पंत ने किया था फाइनल मुकाबले में, जो कि उन्होंने इंजरी का बहाना बनाया था। और उस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से गेम से आउट थी, और साउथ अफ्रीका की टीम उस समय भारतीय क्रिकेट टीम पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, और उस समय पर पूरी तरीके से मैच साउथ अफ्रीका के पकड़ में थी, और वहां पर ऋषभ पंत की उस एक्टिविटी ने गेम को पूरी तरीके से स्लो डाउन कर दिया, और जो रिदम बना था साउथ अफ्रीका के बैट्समैन के द्वारा, जो कि वो खटाखट रन बना रहे थे, मतलब भाई साहब हर दो बॉल में एक छक्का तो जड़ ही दे रहे थे वो, मतलब वहां से सभी भारतीय क्रिकेट फैंस भी ये सोच लिए थे कि भाई साहब ये T20 वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से गया। बट वहां पर ऋषभ पंत की एक एक्टिविटी ने भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन बना दिया, और इस जीत का क्रेडिट रोहित शर्मा ने पूरा का पूरा ऋषभ पंत को दे दिया। उन्होंने कपिल शर्मा शो के दौरान यह कहा कि अगर हम इस मैच में विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मैच के जो असली हकदार है तारीफ के, वो ऋषभ पंत है, क्योंकि उन्होंने उस क्रूशियल मोमेंट पे, या यूं कहे तो आउट ऑफ गेम मोमेंट पे, एक ऐसा काम करा जहां से गेम को पूरी तरीके से स्लो डाउन कर दिया गया, और इसी वजह से जो उनका लय बना हुआ था लगातार रन बनाने का, वो पूरी तरीके से टूट गया था। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि आपको उस समय का वीडियो अगर देखने को मिलता है तो आप जाकर देख लेना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लासन ऋषभ पंत पर काफी गुस्सा कर रहे थे, मतलब उनका कहना था कि भाई साहब ये सब आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मैच खत्म करो यार, मतलब इस मैच को हमें जीतना है। बट वहां पर गेम स्लो डाउन हो जाने के कारण साउथ अफ्रीका के बैटर उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाए दोबारा से, जितने कि वो ऋषभ पंत के उस एक्टिविटी से पहले थे, और ये मेन वजह है जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी को अपने नाम कर पाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी हम किस खिलाड़ी की वजह से जीते,
आप उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले स्टूडियो में, तब तक के लिए।